आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल गुजरात के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव के हालात आपसे छुपे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ अपहरण जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आप कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से मना किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को प्रचार के दौरान डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार की गुंडागर्दी की रिपोर्ट करने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। उक्त कृत्यों से निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव होगा? क्या यह प्रजातंत्र की हत्या करना नहीं है? यह सब भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है। प्रजातंत्र बचाने के लिए इस पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। आइए आपको सुनाते हैं आप पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। कि आज आम आदमी पार्टी रीवा के द्वारा एक घंटे का सांकेतिक धरने के पश्चात सम्माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का जो चीरहरण किया जा रहा है और आयोग आंखें बंद करके जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय सम्माननीय कमिश्नर महोदय को। हम लोग की मांग है कि गुजरात चुनाव के दौरान जितने भी घटनाक्रम आप लोग के सामने आ रहे हैं, अभी आपने दो दिन पहले देखा होगा कि हमारे एक कैंडिडेट को नामांकन करने से किस तरह साजिश के तहत रोका गया। माननीय केजरीवाल जी ने एक दिन पहले जब संज्ञान लिया, फेसबुक मीडिया हर एक के द्वारा जब उन्होंने दिया कि हमारा कैंडिडेट लापता है 24 घंटे से, उसके बाद अचानक वो कैंडिडेट दूसरे दिन चुनाव आयोग के सामने हाजिर होता है, निर्वाचन कार्यालय के सामने, और वहाँ पर पे वो 150 पुलिस कर्मियों के बीच में घिर करके जाता है, अपना नामांकन वापस लेता है। उसे ना तो किसी से बात करने दिया जाता है, उसे ना किसी पदाधिकारी से मिलने दिया जाता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, जो ये भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसके विरोध में रीवा आम आदमी पार्टी आज सांकेतिक धरने के पश्चात ज्ञापन सौंपेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बात हम लोग ज्ञापन नहीं करेंगे।